हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को बनाने के लिए हम 5 के मल्टीपल में फंदे लेंगे, एक्स्ट्रा फंदा कोई नहीं लेंगे। तो मैंने पहले ये 5 के मल्टीपल में फंदे डाल के और ये 4 सिलाइयों का एक सीधा एक उल्टा करके बॉर्डर बना लिया है। आप अपने प्रोजेक्ट में, अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप इसे बैक साइड से बढ़ा लीजिएगा, फिर हम इसका डिजाइन बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे 5 5 5 ऐसे गिनते जाइएगा, एक्स्ट्रा फंदा इसमें कोई नहीं डलेगा। तो इस डिजाइन को अब हम बुनना शुरू करते हैं। डिजाइन बुनने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम इस डिजाइन को बुनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम सीधी तरफ से इसमें एक बेसिक रो डालेंगे। तो जो ये फर्स्ट फंदा है, ये एज स्टिच है, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे फिर उल्टे, 1 2 3। धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा पीछे एच स्टिच फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे डिजाइन में, जब डिजाइन को स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में एक रो ये बेसिक डलेगी, आगे हम अपना डिजाइन बनाते जाएंगे, इस सिलाई को फिर से रिपीट नहीं करेंगे। तो अब आएंगे हम बैक साइड में। बैक साइड से हमारा डिजाइन बनना शुरू होगा। तो फर्स्ट फंदा है, इसको हम ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे जो सीधी तरफ से उल्टे थे, यहां से सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब जो 2 फंदे ये सीधी तरफ से सीधे थे, यहां उल्टे हैं, तो इन 2 का एक करेंगे ऐसे, और इसको उतारेंगे नहीं, ऐसे धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और फिर से एक फंदा बुन लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे 3 फंदे बन गए। फिर से धागा घुमाएंगे एक बार, फिर बुनेंगे, तो हमारे ये 5 फंदे बुन गए। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, अब फिर जो ये उल्टे फंदे दिखाई देते हैं, सीधी तरफ से सीधे थे, यहां से उल्टे हैं, तो इन 2 का एक करेंगे, उल्टा फंदा ही बुनेंगे, धागा घुमाएंगे फिर से एक बार, उल्टा फंदा फिर बुन देंगे, फिर धागा घुमाएंगे एक बार, फिर बुन देंगे। तो हमारे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 फंदे बन गए हैं। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब फिर जो ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे, धागा घुमाएंगे फिर से एक बार बुन देंगे, फिर धागा घुमाएंगे एक बार फिर बुन देंगे। तो हमारे यहाँ पे ये 5 फंदे बन गए। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे फिर सीधे, एक रो हमारी फर्स्ट रो जो थी वो सीधी तरफ से बेसिक रो थी, ये हमारा बैक साइड से डिजाइन डलना शुरू हो गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा। अब आएंगे हम सीधी तरफ। तो डिजाइन की हमारी ये यहां से सेकंड रो है। फर्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे या उतार लीजिए, आपकी मर्जी है, इसको उतारिए या बुनिए। धागा अपनी तरफ करेंगे, जो 3 फंदे उल्टे हैं, ये सीधी तरफ से उल्टे और बैक साइड से सीधे बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे, अब जो ये 5 फंदे हैं, इनमें से पहले 2 फंदे लेंगे हम
इन दो को बैक लूप से लेंगे ऐसे पीछे की साइड से और इसका सीधा फंदा बुन देंगे। अब जो ये तीन फंदे हैं इन तीन को लेंगे बैक लूप से पीछे की साइड से ऐसे और फिर से इसका सीधा फंदा बुनेंगे बैक लूप से। तो फिर यहाँ हमारे पांच फंदों से दो फंदे बन गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे। अब फिर जो ये पांच फंदे हैं पहले दो फंदे लेंगे और इनको बैक लूप से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और सीधा फंदा बुन देंगे। धागे को पीछे ही रखेंगे और ये जो तीन फंदे हैं तीन का फिर से एक करेंगे, यहां से तीन का एक बुन देंगे। ऐसे फिर अपनी तरफ धागा करेंगे और तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब फिर जो ये पांच फंदे हैं पहले दो फंदों को फिर से ऐसे सीधा बुनेंगे बैक लूप से। अब फिर ये तीन फंदे हैं इन तीन का एक बुनेंगे बैक लूप से, एक बार दो फंदे लेंगे एक बार तीन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा। तो ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो थी। अब आएंगे हम बैक साइड में। बैक साइड में फिर से इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर जो ये दो फंदे हैं उल्टे दिखाई देते हैं यहां से, इनका दो का एक करेंगे, इसको उतारेंगे नहीं, फिर से धागा घुमाएंगे और एक बार फिर बुनेंगे ऐसे। फिर धागा घुमाएंगे एक बार फिर बुनेंगे। तो दो फंदों से यहां फिर से पांच फंदे बन गए। धागा पीछे करेंगे और फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदों का एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। फिर से ऐसे धागा घुमाएंगे और एक बार फिर बुनेंगे, उतारेंगे नहीं, एक बार फिर धागा घुमाएंगे और फिर से उल्टा फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ हमारे दो फंदों से पांच फंदे बन गए। फिर धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से जो दो फंदे उल्टे दिखाई देते हैं यहाँ से इनका दो का एक करेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे और दो का एक करेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे और दो का एक करेंगे ऐसे। धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा। अब आ गए सीधी तरफ। तो फर्स्ट फंदे को ऐसे उतार लेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे, जो बीच में तीन फंदे गैप के हैं इनको उल्टा बनाएंगे सीधी तरफ से, धागा पीछे करेंगे और फिर से ये जो पांच फंदे हैं दो फंदों को फिर से बैक लूप से बुन लेंगे ऐसे। फिर जो तीन फंदे हैं इन तीन का एक बनाएंगे बैक लूप से ऐसे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे। बहुत ही आसान डिजाइन है, दो दो सिलाइयों में बन के आ जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं। दो फंदों का पीछे की साइड से दो का एक करेंगे, फिर से ये तीन फंदे लेंगे थोड़ा सा लूज करेंगे और इसको बैक लूप से सीधा फंदा बुन देंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे फिर से उल्टे। फिर धागा पीछे करेंगे और फिर से दो फंदे लेंगे और दो का बैक लूप से सीधा फंदा बुन देंगे। फिर से तीन फंदे लेंगे और तीन का एक बैक लूप से बुन देंगे।
ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे एच स्टिच फंदा सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये दो बार बुन के दिखा दिया है कि फ्रेंड्स जब आप दो दो सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो ये प्यारा सा डिजाइन हमारा बन के आ जाएगा। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आया है और बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जेंट स्वेटर में डालिए, बेबी स्वेटर में डालिए, लेडीज कार्डिगन में डालिए, लेडीज जैकेट में डालिए, बेबी कैप में डालिए, किसी में भी डालिए, उसी में ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है और उभर कर आने वाला डिजाइन है, दो सिलाइयों में ही कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। थैंक यू।